कुनो नेशनल पार्क में नमीबिया से आए चीतों की रक्षा कौन करेगा? हम आपको इन चीता मित्र से मिलवाते हैं। चीतों की रक्षा करने वाले पूर्व डाकू की कहानी बड़ी दिलचस्प है, आप भी सुनिए। जिसकी बंदूक से थर्राता था चंबल, सरेंडर के 38 साल बाद फिर उठाई बंदूक। जी न्यूज पर चीता मित्र। शोपुर के लहरोनी गांव में रहने वाले पूर्व डाकू रमेश सिकरवार ने इस बार बंदूक किसी पर हमले के लिए नहीं, कुनो नेशनल पार्क में बसने वाले दुनिया के सबसे तेज दौड़ने वाले चीतों की रक्षा के लिए उठाया है। शिवपुर के कुनो नेशनल पार्क में चीतों की सुरक्षा का जिम्मा उठाने वाले रमेश सिकरवार चर्चा में हैं। वन विभाग ने सिकरवार समेत कई लोगों को खास जिम्मेदारी सौंपी है। कुनो नेशनल पार्क में आज पीएम मोदी चीता मित्रों से मुलाकात करेंगे, इस दौरान रमेश सिकरवार भी शामिल रहेंगे। रमेश सिकरवार ने चीतों की सुरक्षा की कसम खाते हुए शिकारियों को खुली चुनौती दी है, पकड़े जाने पर सजा देने की चेतावनी भी दी है। मैंने बोल दिया जंगल में जो शिकारी लोग शिकार खेलते हैं उन सबको मैं रोक दूंगा, कोई किसी से ना जानवर हिरण चीतल। अच्छा, ये आपने जिम्मेदारी उठाई है? हाँ। अच्छा, मुझे मानने कोई मारेगा उसको मैं रोकूंगा, मेरी गारंटी रहेगी। सोशल मीडिया और इंटरनेट पर आजकल ये दावा किया जा रहा है कि देश के आखिरी तीन चीतों का शिकार कोरिया रियासत के राजा रामानुज प्रताप सिंह देव ने 1948 में किया था, लेकिन सिंह देव परिवार के वंशजों का कहना है कि ये गलत है। मेरे ग्रैंडफादर चीता मारे थे, पर वो आखिरी चीता था, इसका प्रूफ आज दिन तक या ऐसी कोई बात नहीं आई है कभी, तो हम इसको ऑथेंटिक कैसे मान लें कि वही आखिरी चीते थे और उसके बाद कहीं चीते मिले ही नहीं। कुनो के पार्क में चीतों के स्वागत की हर तैयारी पूरी है। आज यहां प्रधानमंत्री आ रहे हैं, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इसे लेकर पीएम मोदी का धन्यवाद किया है। आज से देश के वन्य प्राणियों में एक और नई प्रजाति जुड़ रही है। देश से विलुप्त हो चुके चीतों को फिर से बसाना बड़ी पहल है, ये किसी बड़ी घटना से कम नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।